तो आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह ने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ के मुख्य मुद्दे के साथ आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि निकाय क्षेत्र में 15 दिनों तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वहीं यूपी के 763 नगर निकायों में से 633 माफ कीजिए, नगर निकायों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर 633 नगर निकायों के आम आदमी पार्टी के प्रभारी घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता की समस्याओं को लेकर लगातार सड़क पर लड़ाई लड़ी है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी का प्रभाव उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़ गया है। इसके साथ ही संजय सिंह ने ईडी पर इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का आरोप लगाया है। नगर पालिका चुनाव को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण पर जो सवाल उठा था, उसके आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत भी हो गई। कैबिनेट ने उसको अप्रूव भी कर दिया, स्वीकृति भी दे दी। अब जल्द ही नगर निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में घोषित होंगे, ऐसी संभावना है। पिछले एक वर्ष से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, मेहनत से, और हमारे साथियों ने जन मुद्दों को लेकर जो लड़ाई लड़ी सड़क पर, जो अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर उतर के संघर्ष किया, उसके कारण से आम आदमी पार्टी का विस्तार पूरे प्रदेश में बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और उन्हीं साथियों की मेहनत की बदौलत उत्तर प्रदेश के 763 नगर निकायों में से 633 नगर निकायों में बाकायदा मीटिंग करके, बैठके करके, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करके 633 नगर निकाय के प्रभारी आज आम आदमी पार्टी घोषित कर रही है।